तो ये कुंडली में तो ये कोई दोष ही नहीं है जिसका पति गुजर गए 5 महीने। जब वो कुंडली वहां से बनारस गई और वहां पर एक बहुत ही योग्य आचार्य लगभग 95 ईयर्स, उन्होंने उस कुंडली पर 11 महीने तक सर्च किया और 11 महीने तक सर्च एक एक बिंदु को खोला उसके को, लेकिन जब कोई कमी नहीं निकली तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, बोले ये कुंडली इसलिए दोषी है, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि ये कुंडली किसी ब्राह्मण के हाथ से नहीं बनी है, और मोहर लगा दी और पोस्ट कर दी। वो आ गई, जब लौट के आई और उन गुरुजी ने खोल के देखा अपनी उस पोस्ट को, रोने लगे। साथ के आचार्यों ने कहा, महाराज रो क्यों रहे हो? बोले ये क्या लिखा है इस पर? बोले इस पर लिखा है ये कुंडली किसी आचार्य ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, और ब्राह्मण ने नहीं बनाई है इसलिए इस कुंडली को ये दोष लगा है। तो बोले ये तो गलत लिखा है किसी ने। अरे ये तो आपके हाथ की कुंडली लिखी हुई है, ये तो आपने बनाई है। झट वो व्यक्ति खड़ा होकर के रोने लगा और सभी ब्राह्मण आचार्यों के आगे हाथ जोड़ करके कहता है, भैया तुम सब क्षमा कर देना, मैं तुम सब के बीच में जाति छुपा कर रह रहा था, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो जाति से लोधी राजपूत हूं, लोधी हूं मैं जाति से, बिहार का रहने वाला, यहाँ आकर के ब्राह्मण बनकर के आचार्यों के बीच में विद्या अध्ययन कराने लगा। अब विद्या तो किसी को मिल सकती भाई। बोले मैंने अपने आप अपनी बेटी को विधवा बना दिया, वैधव्य धारण करा दिया। तो याद रखिएगा, कुंडली जब जब बनवाए किसी ब्राह्मण के हाथ से उस कुंडली की रचना होनी चाहिए, गणना होनी चाहिए। कुंडली का असर जीवन में बहुत होता है। कुंडली स्पष्ट बताती है अगर किसी योग्याचार ने बनाई है तो ये हमारे जीवन की अंक तालिका है। तो इसने शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था, इसने पूर्व काल में एक श्राप के कारण इसको राक्षस बनना पड़ा, और कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था इसने। इसके द्वारा क्या अपराध हुआ था? भगवान कृष्ण का धाम कौन सा है हमने बताया था एक दिन, हाँ वृंदावन तो है ही, भगवान कृष्ण का जो मूल धाम है गोलोक धाम, गोलोक धाम। तो गोलोक धाम जो भगवान का है, ये गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा रानी रहते थे और ये रास पीड़ा करते थे नित्य प्रति। एक दिन क्या हुआ, यहाँ एक संत, यहाँ पर एक श्रीदामा नाम का, एक तो सुदामा थे एक श्रीदामा, एक श्रीदामा नाम का भगवान का सेवक था। उसने क्या किया कि आज राधा रानी को आने में विलंब हो रहा है, तो एक गिरजा नाम की सखी से कहा, देवी तुम आओ और आकर भगवान के साथ में रास करो। गिरजा ने कहा, मैं रास करूंगी, कहीं राधा रानी आकर के नाराज न हो जाए। उन्होंने कहा, चिंता क्यों करती हो, बिल्कुल नाराज नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया कि राधा रानी नहीं आई और बिरजा सखी रास करने लगी। जब राधा रानी आई, राधा रानी ने देखा, अरे मेरे आने से पूर्व ही रास प्रारंभ कर दिया, हे बिरजा तूने ठीक नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पृथ्वी पर नदी बनकर के बहेगी। अब तो गिरजा रोने लगी, गोपाल से कहा, कन्हैया मेरी क्या गलती थी इसमें, मैंने तो आपके कहने पर आपका साथ दिया था। भगवान बोले, गिरजा रो मत, तुम नदी तो बनोगी क्योंकि राधा रानी का श्राप तुम्हें लगा है, लेकिन तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। तो वही गिरजा पृथ्वी पर आकर के यमुना नदी बनी है, यमुना नदी। अब राधा रानी ने देखा कि ये गोप खड़ा है श्रीदामा, इसने तो इसी ने सब कुछ किया है, बोले मैं तुझे भी श्राप देती हूं, तो पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनेगा। तो वही गोप यहां आकर के शंखचूड़ के नाम में महाराज रूप में उपस्थित हुआ और इसने अनेकानेक प्रकार के उपद्रव किए, ये बहुत बड़ा राक्षस हो गया था। धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से इसका विवाह हुआ था, शंखचूड़ का। इन्होंने दोनों ने गंधर्व विवाह किया था और गंधर्व विवाह करने के बाद ये बड़े आनंद से रहने लगे।
भगवान विष्णु का भक्त था लेकिन उपद्रवी था, कवच कुंडल ये प्राप्त कर ही चुका था। जब ये बहुत बड़ा उपद्रवी हो गया तो एक बार देवताओं ने आकर के इससे युद्ध प्रारंभ कर दिया, लेकिन युद्ध में हार नहीं पाया। शंकर भगवान स्वयं युद्ध करने के लिए आए, लेकिन शंकर जी जब युद्ध करने आए तो शंकर जी भी इसको हरा नहीं पा रहे। अब शंकर जी जैसा देवता किसी को युद्ध में ना हरा पावे, ये तो बड़ी विशेष बात है। तब देवताओं ने जाकर के नारायण से कहा, प्रभु कृपा कर दीजिए। बोले क्या करें? बोले कैसे भी ये शंख चूर्ण का जीवन समाप्त करिए। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि शंख चूर्ण के पास में कवच और कुंडल है, जब तक ये कवच और कुंडल रहेंगे तब तक इसको कोई मार नहीं सकता, और इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता नारी है, उसका सत्यत्व अगर भंग कर दिया जाए तो इसकी प्राण ले सकते हैं। भगवान ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, कवच और कुंडल भी ले लेंगे और सत्यत्व को भी हम समाप्त कर देंगे। अब तो क्या था, महाराज भगवान एक ब्राह्मण का वेष बना करके गए। इधर आज जैसे ही ये युद्ध करने के लिए जा रहा है तो इसको अपशगुन होने लगा। पत्नी ने इनकार किया, आप मत जाइए। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, अगर आप घर से निकलें और कोई भी टोके कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी अगर टोक दे के ठहर जाइए तो चाहे 10 मिनट ही सही रुक जाना चाहिए, उस समय हमें रुक जाना चाहिए, चाहे 10 मिनट बाद ही हमको जाना पड़े चले जाइए, लेकिन उस समय जरूर रुकिएगा। पत्नी ने कहा कि नाथ मुझे नहीं लगता कि आज आपका जाना उचित होगा, लेकिन कहा देवी कैसी बात करती हो, कैसी बात करती है। और उस दिन संयोग से ही अपने कवच कुंडल भी धारण करके देख गए। इधर भगवान आए और भगवान ने आकर के इधर तो ये युद्ध करने लगा शंकर जी से, इधर भगवान ने आकर के ब्राह्मण रूप में इसकी पत्नी से दान में ये कवच कुंडल मांगे, और कवच कुंडल जैसे मांगे और इसके शरीर का आलिंगन किया है भगवान ने, उसी समय क्या देखा कि इसके पति की एक भुजा कट गई और कट करके भुजा इसके सम्मुख आकर के गिरी। इसे लगा मेरे पति की भुजा काटने वाला कौन हो सकता है, और मेरे सत्यत्व पर आंच आ रही है, मेरे हाथ को स्पर्श किया है, कौन है आप बता दीजिए, मैं श्राप दे दूंगी। भगवान नारायण अपने स्वरूप में आ गए, बोले आपने मेरे सत्यत्व को भंग करने की चेष्टा की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पृथ्वी पर पत्थर बन करके रहोगे। भगवान ने कहा आपने हमें अकारण श्राप दे दिया, ये राक्षस का वध नहीं होता अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी पृथ्वी पर जड़ बन करके रहोगी। तो आज ये तुलसी यहां पृथ्वी पर आकर जड़ बनी है और भगवान सालग्राम के रूप में संसार में चलेगा। सच्चे सालग्राम अगर तुम्हें कभी चाहिए तो कहां मिलते मालूम? आप कहोगे हमारे राजस्थान में पत्थर की कमी थोड़ी है, बढ़िया मशीन से गोल मटोल बनवा लेंगे। ना जी ना, सच्चे सालग्राम मिलते हैं नेपाल के दामोदर कुंड में। नेपाल के दामोदर कुंड में ये आज भी ऐसी व्यवस्था है कि वहां आप जाइए और तुलसी की लकड़ी तोड़कर पत्ते से ही वहां डाल दीजिए तो कहीं ना कहीं से आपको सालग्राम सामने नजर आ जाएंगे, चिपक जाएंगे वैसे। आज भी ये बड़ा लोग वहां से सालग्राम भगवान लेकर के आते हैं, जैसे नर्मदा जी के कंकर सवरे शंकर। हाँ, नर्मदा जी में डुबकी लगाओ और जो हाथ में पत्थर पड़ जाए उसे लाके घर में रख लो, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः स्वयं प्रतिष्ठावान है वो। ऐसे ही दामोदर कुंड में जाइए और वहां से सालग्राम लाइए और अपने घर में रख करके उनका पूजन करिए। जिनके घर में नर्मदेश्वर और सालग्राम होते हैं उनके घर में कभी भूत प्रेत बाधा आला वाला डला सब दूर चले जाते हैं, याद रखिए। पत्नी यहां पतिव्रता नारी थी और पतिव्रता नारी ने श्राप दे दिया, हमारा ये देश जो है वो सत्यत्व पर टिका है, हमारे देश में सतियों की कमी नहीं रही। राजस्थान में तो कितनी माताओं ने सत्यत्व धारण किया, रानी सती माता की कथा आती है उसमें देखिए, और भी कई माताओं ने सत्यत्व धारण किया राजस्थान की भूमि पर। नारी का सबसे प्रथम अगर कोई गहना है, प्रथम कोई धन है तो उसका सत्यत्व।
आज